ये हैं पीट्रॉन के बेस बर्ड्स ईवो। और अगर आप एक ऐसे ईयरफोन ढूंढ रहे हो जो कि ट्रू वायरलेस फीचर के साथ में आए, बहुत ही कम प्राइस रेंज में हो और बहुत ही अच्छा साउंड हो, तो ये वीडियो आपके लिए। पूरी एंड तक वीडियो को देखो, सारी चीज़ मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उन सब चीज़ों से पहले राधे राधे जी, वेलकम आपका अपने प्यारे चैनल टेक जीजी पर। तो चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंड दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, जो कि मेरी ये वाली वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, तो उसके लिए बहुत 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 बड़ा सॉरी। एंड जितना भी आपने सपोर्ट दिखाया उसके लिए बहुत बड़ा सा थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, और यार अब से वीडियोस रेगुलर आएंगे। जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी सॉल्व हो गई हैं, मैंने नया सेटअप बना लिया है, तो अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को इन्जॉय करो। तो अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है पीट्रॉन के बेस बर्ड्स ईवो का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो हमारे एक्चुअल एयरपोर्ट्स हैं उनकी यहाँ पे फोटो दे रखी है। यहाँ पे है पीट्रॉन की ब्रांडिंग। बैक की साइड में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे जो है स्पेसिफिकेशंस बताए हुए हैं, जो कि आगे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। नीचे की तरफ जो है आपको यहाँ पे प्राइस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि है 3800 रुपये। लेकिन आप यहाँ पे इतना आय का 3 मिटा दीजिए और बाइक के पीछे 3 अंक देख लीजिए, यानी कि 799 का आपको ये सेल पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। तो बॉक्स को खोलने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग देखने के लिए मिलती है। जो सबसे पहले कंटेंट है, आपके ऊपर दोनों ईयरबड्स रखे मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है ईयरफोन्स का जो चार्जिंग केस है। अब बात कर लेते हैं इन छोटे छोटे ईयरबड्स की। तो ईयरबड्स की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो पूरी प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है, ग्लॉस प्लास्टिक है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ में आपको यहाँ पे एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, एंड उसके ऊपर एक छोटे छेद में LED इंडिकेटर और माइक दिया हुआ है। तो अगर आप इसका रिव्यू भी जानना चाहते हो तो वो मैं आगे इस वीडियो में दूंगा, तो जरूर एंड तक देखना। फिर उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ आपको राइट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और आपको यहाँ पे जो है चार्जिंग के सॉकेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आपको जो ये येलो जो रिंग देखने के लिए मिलती है रबड़ की, ये आपके कान में इन ईयरफोन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से स्टक कर देती है, एयरटाइट कर देती है। एंड जो म्यूज़िक क्वालिटी है ना, वो इन ईयरफोन्स की मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो म्यूज़िक टेस्ट भी मैं आपको इस वीडियो में आगे करवाऊँगा, तो वहाँ तक ज़रूर रुकना। अब और अगर बॉक्स कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ ईयर टिप्स इनकी मीडियम एंड लार्ज साइज की, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है USB केबल टू माइक्रो USB वाली केबल, जो कि डिसेंट साइज़ की है, नॉर्मल क्वालिटी है इसकी, और एक यूज़र मैनुअल। अगर आपने पहले कभी TWS यूज़ नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार इन ईयरफोन्स को जरूर जो यूज़र मैनुअल है उसको पढ़ लें, देन उसके बाद यूज़ करें। तो अब यहाँ पे चार्जिंग केस की भी जो है बात कर लेते हैं। तो चार्जिंग केस जो है पूरी प्लास्टिक बिल्ड में आता है और पूरी की पूरी ग्लॉस प्लास्टिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जब इसको यूज़ किया तो कितने सारे स्क्रैचेज आ चुके हैं इस पर। तो यहाँ पे आपको सामने की तरफ पीट्रॉन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर की तरफ जो है 4 LED इंडिकेटर्स हैं। बैक साइड में आपको यहाँ पे माइक्रो USB का चार्जिंग इनपुट देखने के लिए मिल जाता है, और अंदर की तरफ आपको जो है येलो एक्सेंट में पूरी की पूरी जो है प्लास्टिक देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है लेफ्ट और राइट को, तो जिसके हिसाब से आपको ईयरफोन्स इसमें पुट करने हैं चार्जिंग करते टाइम। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। उसके बाद अगर मैं इस चार्जिंग केस की स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसमें आपको 300 mAh की इनबिल्ट बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आपके ईयरफोन्स जो होंगे उसको लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देगी 0 to 100। एंड इसको चार्ज करने में भी आपको 1.5 घंटा लगेगा नॉर्मल चार्जिंग से। तो अब अगर बात करें यहाँ पे ईयरबड्स की, तो इन ईयरबड्स में आपको 8 mm के ड्राइवर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल वाले ड्राइवर्स हैं, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्राइवर हैं। इसकी प्राइस रेंज को देखूँ अगर मैं तो, उसके बाद आपको इसमें 45 mAh की इनबिल्ट बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो लगभग मेरे टेस्ट के हिसाब से और जो कंपनी में लिखा है तो उन्होंने लगभग 4 घंटे हर एक ईयरफोन का जो है 4 घंटे का आपको बैटरी बैकअप दिखा रखा है। लेकिन जब मैंने यूज़ किया तो मुझे लगभग 3.5 से 3 घंटे का बैकअप देखने के लिए मिला, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस को देखते हुए डिसेंट है। तो अब अगर मैं इसके रिव्यू देते हुए आपको सारी चीज़ें बताऊं तो यार देखो, ये एक डिसेंट प्राइस में डिसेंट ईयरफोन आपको देखने के लिए मिलते हैं। कॉलिंग के लिए पहले ही बता चुका हूँ ये नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे लिसनर हैं, बेस आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए आपको ये बिल्कुल ही ले लेने चाहिए अगर आप ऐसे सस्ते में कोई ईयरबड्स ढूंढ रहे हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मुझे लगभग इनको 2-3 हफ्ते हो गए हैं यूज़ करते हुए। तो नीचे लिंक है जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो जो अच्छी लगी होगी, जो जो डिटेल्स मैंने बताई हैं वो सारी आपके काम आई होंगी। तो यार अगर काम आई है, वीडियो भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दो और जो है शेयर भी कर देना इस वीडियो को दोस्तों के साथ, कहीं पे भी शेयर कर दो, बस शेयर कर दो। और नीचे अगर आपको कोई सी भी क्वेरी है या कुछ भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हो इन ईयरबड्स के थ्रू,
तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे, कमेंट डाउन खुला है तो वहाँ से कमेंट जरूर कर देना मुझे, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ने में। और गाइज नीचे एक रेड कलर का बटन दे रखा है, उसे दबा के चलो कर लो सब्सक्राइब ऐसे और भी ज़्यादा ऑसम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ को देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।